Hello children, you are again welcome. As we have discussed our previous chapter, in this previous chapter, as a question, what I will give you, that only you should make in your mind the points ki noise pollution kaise kis tarike se apan karte hain aur kya savdhani rakhni chahiye. Travel or public by public transport mein kya bataya gaya hai uske points likhne hain, main points. इसी तरह के ट्रैफिक सेंस में क्या बताया गया है उसके पॉइंट्स लिखने हैं. इंक्रोचमेंट में क्या बताया है उसके पॉइंट्स लिखने हैं. इस तरीके से सारे जो ये वी कैन से दिए गए हैं उन सबके पॉइंट्स लिख लें तुम लोगों को. इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंड एवरीवन? गॉट इट? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज आवर द लेडी और द टाइगर. और अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आए क्वेश्चंस के आंसर लिखने में, बुक वाले आंसर करने हैं. यू हैव टू आंसर द ओनली बुक आंसर. गॉट इट? इसके अंदर देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को. बी वाला जो है 60 वर्ड्स में, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. अंडरस्टैंड? और अगर नहीं आए आंसर, यू आर वेलकम हियर, आई एम हियर फॉर योर हेल्प. नेक्स्ट चैप्टर इज द लेडी और द टाइगर. गॉट इट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट ए गर्ल हु इज अ प्रिंसेस, वी कैन से जो राजा की लड़की है. एंड सी फेल लव विद इन विद अ नॉर्मल पर्सन एंड व्हाट वुड हैपन विद हर. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी अपन को कि वो उस पर बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो चैप्टर है दैट इज नॉट हैविंग एनी एंड. लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछेगा राइटर, वो बड़ा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टेल यू अबाउट द राइटर ऑफ द चैप्टर. फ्रैंक आर स्टॉकस्टोन इज द राइटर. फ्रैंक रिचर्ड स्टॉकस्टोन वॉज बोर्न इन अप्रैल 1834. उनका जन्म हुआ था 15th अप्रैल 1834 को एंड ही वॉज डाइड इन अप्रैल 20, 1902. यानी 1834 15 अप्रैल को उनका जन्म हुआ और 1902 20 अप्रैल को उनकी डेथ हो गई. वॉज एन अमेरिकन राइटर. वो क्या था? वो अमेरिकन राइटर था एंड ह्यूमरिस्ट, जो कि फन भी क्रिएट करता था. बेस्ट नोन टुडे फॉर हिज सीरीज ऑफ इनोवेटिव चिल्ड्रंस फेरी टेल्स. उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो चिल्ड्रेन के ऊपर बहुत लिखता था. एंड इज ऑल्सो बेस्ट नाउन दैट वर वाइडली पॉपुलर ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी. और 19th सेंचुरी में वो काफी फेमस हुए थे. उनकी जो स्टोरीज हैं दैट आर टोटली बेस्ड ऑन चिल्ड्रेन. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्टोरी. व्हाट द स्टोरी टेल्स अस? द लेडी और द टाइगर वॉज पब्लिश्ड इन 1882. गॉट इट? इज दैट क्लियर? द लेडी और द टाइगर. Understand that is published in 1822. And in this chapter, what we will discuss, it is also very important for us. Ki what is important in this chapter? While the first half of the story provides a glimpse of semi-barbaric, a krurta, हम कह सकते हैं कि first half उसमें वो दिखेगा. King whose method of giving judgment was, जो उसका judgment देने का तरीका है, was fanciful. बहुत ही कहते हैं कि अच्छा नहीं है, थोड़ा सा वी कैन से. द रिमेंबरिंग हाफ टचेज अपॉन द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. और जो बचा हुआ हाफ है वो ह्यूमन बिहेवियर, कैसा किस तरीके से बंदा रिएक्ट करता है, ह्यूमन बींग्स कैसे अपने फीलिंग्स को शो करते हैं दूसरों के सामने, ये हम पढ़ेंगे इसमें. एज ए स्टॉकस्टोन हिमसेल्फ हैज रिटन, स्टॉकस्टोन ने खुद ने ये स्टोरी लिखी है. This story involves a study of human heart, which leads to match of passion. ये story एक human heart की study करती है. पूरी book के अंदर सबसे best story है जो मैं पसंद करता हूँ, कि love, hate and excitement कैसे वो एक human का, एक इंसान का love, hate और excitement कैसे वो measure करती है, story बताती है. The charm of the story lies in the suspense left at the end. स्टोरी की सबसे अच्छी बात क्या है? जो इसका चार्म है वो क्या है कि दैट इज पूरी स्टोरी में सस्पेंस रहेगा और लास्ट में भी राइटर क्या कर जो छोड़ेगा, सस्पेंस छोड़ेगा हम लोगों पे, रीडर्स पे. अब हम अपने अनुमान लगाएंगे
कि क्या होना चाहिए था, क्या हो गया या फिर क्या नहीं होना चाहिए था, विच इज लाइकली टू अराउज ए चेन ऑफ क्यूरियोसिटी इन रीडर्स। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई थिंक आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस। दिस इज द कंप्लीट स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन लव टुवर्ड अदर्स। फर्स्ट हाफ टेल्स अस अबाउट द क्रुएल्टी ऑफ ए किंग और हिज जजमेंट, हाउ डज ही गिव हिज वी कैन से जजमेंट। एंड नेक्स्ट हाफ इज फुल ऑफ charm or full of we can say excitement and full of behavior of humans, कि कैसे human लोग अपना behavior करते हैं। इस story में क्या होता है, एक girl she loves too much her father and she also had a lover, एक उसका lover होता है, she also loved the boy but the person was very we can say simple man, वो जो लड़का था वो simple होता है, but father का जो decision making होता है, जो decision देने का तरीका होता है, that was also very strange। वो क्या होता है, एक बड़ा सा वो एक स्टेडियम टाइप में कुछ होता है और उसमें दरवाजे होते हैं, उसमें वो टाइगर को रखता है और जो गिल्टी होता है, जो अक्यूज होता है, जो अपराधी होता है, उसको उसमें छोड़ दिया जाता है। तो बड़ा अजीब है और गलत तरीका भी है कि जो अपराधी होता है उसको छोड़ दिया जाता है, उसको बोला जाता है कि तुम एक दरवाजा खोलो, तो वो अगर इनोसेंट है तो उसे एक अच्छी सुंदर लड़की मिलेगी उस दरवाजे में जिससे वो शादी करेगा, और वो यदि इनोसेंट नहीं है तो उसको टाइगर मिलेगा। यानी ये राजा का कहना है, ये कोई तरीका नहीं होता डिसीजन देने का। एक गिल्टी वाला बंदा जिसने अपराध किया, जिसने क्राइम किया है, फॉर्चुनेटली वो लड़की वाला दरवाजा खोल ले तो उसका अपराध की सजा उसे कहाँ मिली, नहीं मिली ना। इसी तरीके से एक बेचारा इनोसेंट आदमी है जिसने अपराध किया ही नहीं है, वो टाइगर वाला दरवाजा खोल ले उसे को तो वो मार डालेगा टाइगर, उसे कहाँ न्याय मिला। बहुत ही वी कैन से बहुत ही डेंजरस टाइप ऑफ वी कैन से जजमेंट वाज देयर। और राजा है वो एक, हम कह सकते हैं कि वो बेवकूफ़ भी है इन दिस स्टोरी में। तो वो लड़की है वो उस लड़के से प्यार कर बैठती है, उसी लड़के को पनिश करने के लिए राजा ने क्या किया, उसको वहाँ पे छोड़ दिया। नाउ आई एम गोइंग नॉट गोइंग टू टेल द एंड, I'm just learning with you so that you can take it easily. Long, long ago, there lived a king who was crude, bada cruel tha wo, who was crude and not having a dress or refined manners and very much like a savage, ek dusht atma ki tarah, an uncivilized person. He had learned some manners from his Latin neighbors. Apne Latin neighbors se usne kuch manners seekhe. बट मोस्टली ही वॉज ए बारबरिक, एक अच्छा इंसान नहीं, बारबरिक का मतलब होता है रफ एंड रूड, वो बहुत ही रफ रूड था एंड ग्रफ रूड था, यानी उसका जो न्याय करने का तरीका गलत था, उसका शासन करने का तरीका गलत था, वो एक प्रकार से क्रूड रफ बारबरिक सेमी बारबरिक यानी कुछ भी कहे एकदम क्रूअल किंग था। ही हैड नन ऑफ द ग्रेस एंड पॉलिश ऑफ हिज नेबर्स, उसने कुछ भी अच्छा नहीं सीखा अपने नेबर्स से। ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट फैंसीज, थॉट्स उसके दिमाग में हमेशा अपनी खुद की थॉट्स आती थी, अपनी कल्पनाएं बनाता था वो, अपने अपने बारे में कुछ ज्यादा ही वो करता था, है ना, उसके जो आइडियाज थे वो बहुत रिमोट आइडियाज थे। एंड इवन ग्रेटर इंथुजियाज्म, और उसके अंदर उत्साह बहुत ज्यादा था, बिकॉज ही हैड सच सो मैनी अथॉरिटी एज ए किंग, क्योंकि एज ए किंग उसके पास बहुत सी अथॉरिटीज थी, सारे डिसीजंस उसके खुद के थे, ही हैड अ लॉट ऑफ अथॉरिटीज। ही वॉज एबल टू फोर्स सम ऑफ दीज फैंसीज इन टू रियलिटी, एंड वॉट हैपन्स, जो रिमोट डिसीजंस थे उसके, जो पास के डिसीजंस थे वो फोर्सफुली लोगों पर लागू कर देता था, और एटलीस्ट ही ट्राइड टू, या फिर वो कोशिश करता था। His personality was normally calm when everything was in order, when everything was in going in a favorable way, when everything was in a superb way, then his personality, he becomes calm, he never ever we can say get angry. When there was a little hitch, thoda sa bhi problem ho, however he was excellent and happy, he loved it when things went wrong because that means that he could then correct them. Aur wo chahta kya tha कि लोग गलती करें, पीपल वुड मेक मिस्टेक सो दैट ही वुड करेक्ट दैम, एंड बाई डूइंग दिस ही वुड फील लॉट ऑफ प्राउड ऑन हिमसेल्फ।
he always wanted that people would make we can say wrong mistakes, and he always used to correct them. That was the way of his we can say decision. He loved to make the crooked straight. वो गलतियों को ठीक करना पसंद करता था. मूर्खता को, किसी की गलतियों को, उनको सही करना उसको अच्छा लगता था. To crush down the uneven places in life. Uneven places जो जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं उनको ठीक करना उसे अच्छा लगता था. Who wanted to do these all things? The king. He decided that there should be a way to add culture to the lives of his subject. His method was the public arena. उसको मतलब था कि public arena बनाऊं. Got it? Is that clear? Arena a particularly designed place for fighting. एक ऐसी जगह जहां पर लड़ने के लिए बनाया जाए. That is a place. There humans and beasts performed before audiences. जहां human और beast आपस में लड़ें या परफॉर्म करें बिफोर द ऑडियंस, ऑडियंस के सामने. बट हिज फैंसीज एक्सल्टेड देमसेल्व्स हियर. द एरेना दैट ही बिल्ट वॉज नॉट फॉर द ओनर एंड द ग्लोरी ऑफ ग्लैडिएटर्स. लेकिन ये जो एरेना बनाया गया था वो ग्लैडिएटर्स जो योद्धा होते हैं ना उनके ओनर और वी कैन से उनके ओनर और उसके रेस्पेक्ट के लिए नहीं था. इट वॉज नॉट फॉर बीस्ट टू फाइट ईच अदर टू द फिनिश. और ये उनके भी लिए नहीं था, जानवरों के लिए कि वो आपस में लड़ें. नहीं तो वो ग्लैडिएटर्स के लिए था, योद्धाओं के लिए कि वो लड़ें. नहीं वो जानवरों के बीच में था. इट वॉज नॉट इवन फॉर थ्रोइंग रिलीजियस हेरिटेज टू द लायंस. और ऐसा भी नहीं है कि किसी को जो बंदा ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता, कहते ना उसको शेर के आगे गिरा देते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था. It was, he believed, for the purpose of widening and developing the mental energy of his people. ये केवल बनाया गया था लोगों की mental energy को बढ़ाने के लिए. It was a vast amphitheater, यानी open, एकदम open ground, with encircling galleries, और जिसके अंदर बहुत सी galleries हैं. Mysterious worlds and unseen passages. ऐसे पैसेज जो दिख नहीं थे, गलियारे. इट वॉज टू बी ए मीन्स फॉर पोइटिक जस्टिस. एक पोइटिक जस्टिस के रूप में, कविता के रूप में एक न्याय देना. इट वॉज टू बी ए प्लेस वेयर क्राइम वॉज पनिश्ड और वर्च्यू रिवार्डेड ऑल बाई चांस. ये ऐसा स्थान जहाँ पे क्राइम को पनिश किया जाए और वर्च्यूज को रिवॉर्ड किया जाए. यानी ऐसी जगह बनाई उसने, एक एम्फीथिएटर बनाया, ओपन एरिया स्टेडियम टाइप में, जहाँ पे किसी बेस्ट की लड़ाई नहीं होती थी, किसी जानवरों की, जहाँ पे किसी ह्यूमन बींग्स की लड़ाई नहीं होती थी, वहाँ पे किसी को सम्मान नहीं किया जाता था, बल्कि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोगों को न्याय मिल सके. अपराधी को लाया जाता था, मैंने बताया था ना तुम लोगों को, एक ऐसा स्टेडियम बनाया. और उसकी जो गलियाँ हैं, गैलरीज हैं, उसके जो पैसेज हैं, वो वी कैन से सिस्टमेटिकली नहीं थे, वो एकदम से रहस्य के रूप में रखे गए थे. दे वर नॉट विजिबल. When the king was interested in people and their crimes, जब लोगों के crimes और people's के cases वगैरह लाए जाते थे राजा के सामने, he would detect that their fate should be decided in the arena. और कहता था कि जैसे मान लो कोई अपराधी या किसी का कोई केस आता था राजा के सामने, तो कहता था ये सब कुछ arena में होगा. arena बताया था ना तुम लोगों को, एक ऐसी जगह जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था. Got it? That is, we can say, place, we can say, particularly designed place for fighting. एक ऐसी जगह जो लड़ने के लिए लगाई जाती थी. The king knew no traditions. The king knew no traditions from other kingdom. Other kingdom से कोई भी tradition, कोई भी चीज नहीं सीखी उसने. His only allegiance was to himself and his own fancies. बस उसका अपना था कि मैं मेरी मानूंगा, मेरी चलाऊंगा. दिस फैंसी द चांस फेट डिसीजन इन द एरेना. और ये सब कुछ ने क्या किया, एरेना में डिसाइड किया. केम अबाउट बिकॉज ऑफ हिज रोमांटिक येट बार्बरिक आइडियलिज्म. उसका एक शैतानी तरीका, एक क्रूर जो उसकी नीति थी ना, उसके हिसाब से ये सब कुछ उसके दिमाग में आया, उसकी जो पुरानी सोच
ये सब कुछ उसके दिमाग में आने लग गया और उसने उसके वहां पे क्या बनाया, एरेना बनाया। When all the people had gathered in the galleries and the king was seated on his throne high up on one side of the arena, कह रहा कि बता रहा अभी कि what happens to all the people gathered in this galleries, जो stadium type में बना रखा था वहां पे सभी लोग इकट्ठा हो जाते थे, and the king himself seated on the throne high up on one side of the arena, arena के एक साइड में एक बहुत बड़ी गद्दी है उस पर राजा खुद बैठता था। Who seated on the arena? The king. He would give a signal, और वो वहां से सिग्नल देता था। A door beneath him, उसके पीछे से एक दरवाजा खुलता था, would open and the accused person, जो अपराधी है, and the accused person would step out in the amphitheater, वो अपराधी जिसने अपराध किया है या फिर जिस पे केस चलाया गया है, he would move in the stadium. डायरेक्टली अपोजिट द अक्यूज देयर वर टू डोर्स, और जस्ट जहां पे अक्यूज खड़ा है, जो अपराधी खड़ा है उसके जस्ट अपोजिट में टू डोर्स, दो दरवाजे होंगे, एग्जैक्टली अलाइक एंड साइड बाई साइड, बिल्कुल सेम, नो डिफरेंस, जैसे कि जुड़वा। द पर्सन ऑन ट्रायल, जो बंदा अक्यूज है, हैड टू वॉक ओवर टू दीज डोर्स एंड ओपन वन ऑफ देम, जो अपराधी है उसे उन डोर्स के पास जाना है और ही हैड टू ओपन वन ऑफ देम, उसमें से एक ओपन करना है। ही कुड ओपन व्हिचएवर डोर ही वांटेड एंड ही वाज फ्री टू टेक हिज डिसीजंस, व्हिचएवर व्हाटएवर डोर ही वुड ओपन ही वुड फ्री। ही वाज सब्जेक्ट टू नो प्रेशर फ्रॉम द किंग और हिज कोर्ट इन दिस वे, इफ ही वुड ओपन द डोर इन दिस केस Nobody can make any pressure on him. Maybe he is a king or court. कोई उसे ये नहीं कह सकता कि तुम्हें वो दरवाजा खोल रहा, तुम्हें वो दरवाजा। He was free to open any door. He had seen two doors. One of them he had to open. The only influence was that of his fate or luck. केवल एक ही चीज इसमें काम आ सकती है कि उसका luck कैसा है। Got it? तो what was the luck of a person that can इन्फ्लुएंसिंग। सो समझ में आया, एक एरेना जहाँ पे फाइटिंग वगैरह होती है, एंड वेयर ही मेड ए एम्फीथिएटर, जो ओपन होता है कम्प्लीटली ऊपर से एक स्टेडियम के तरीके से, वहाँ पे पीपल यूज टू गेदर देयर, एंड द किंग वुड सीटेड हिमसेल्फ ऑन द थ्रोन एंड अक्यूज्ड वुड ब्रॉट देयर, एंड इन फ्रंट ऑफ जस्ट फ्रंट ऑफ द अक्यूज्ड देयर वर टू डोर्स आर देयर एंड बोथ आर द सेम डोर्स and accused were free to open one of them. Is that clear? Accused था वो free था उनको उन दोनों में से एक को open करने के लिए। If the accused opened one door, a hungry tiger came out. अगर एक door खोलेगा तो उसमें से कौन आएगा? Hungry tiger. It was the fiercest and most cruel that could be found. And the tiger should be very cruel and most dangerous tiger which was found in the area. And it immediately jumped on him and tore him to pieces as a punishment for his guilt. और क्या होगा? Immediately वो टाइगर आएगा, उस बंदे के ऊपर जंप करेगा और उसको टुकड़ों में बांट देगा, मतलब चिथड़ों में उड़ा देगा। That was the punishment for his guilt. ये उसकी कर्म की सजा होगी उसके लिए। ये पता नहीं कि बेचारा दोषी या नहीं दोषी, ये उसके फेट पे डिपेंड करता है। When the fate of the criminal was thus decided, उसके बाद में कहते हैं कि उसकी क्रिमिनल की फेट वो डिसाइडेड हो गई, दैट वाज डिसाइडेड, सेड आयरन बेल्स वर रंग, उस टाइम पे व्हाट विल हैपन, आयरन बेल्स बजेंगी वहां पे सैड वे में, इन ए सैड मूड, एंड ग्रेट वेल्स, वेल्स का मतलब था क्राई, चिल्लाट, एंड ग्रेट वेल्स वेंट अप फ्रॉम द हायर्ड मॉर्नर्स, ऐसे रोने वाले जो हायर किए गए हैं, रोने वाले भी हायर, मॉर्नर्स का मतलब था रोने वाले, दुख प्रकट करने वाले, वो रोएंगे उस पे, उनको किराए पे लिया गया है राजा के द्वारा। हु वर पोस्टेड आउटसाइड द एरेना, और वहां पर उनको किसके बाहर पोस्ट किया गया है, एरेना के बाहर, यानी रोने वाले भी किराए पे लाए गए हैं। अगर बंदे ने टाइगर वाला खोल दिया, अनफॉर्चुनेटली टाइगर उसको खा जाएगा, मार देगा उसको, तो वहां पे सिग्नल मिलेगा बाहर वालों को, जो बेल्स होती है साइड वो रैंग करेंगी, वो बजेंगी,
तब वो बाहर वाले जो रोने वाले हैं वो रोएंगे। द ऑडियंस वेंट होम विद बोर्ड हेड्स, ऑडियंस सर झुका के अपने घर जाएंगे, डॉलफुल हेड्स एकदम से पूरी तरह से दुखी दिल से। सैड दैट वन सो यंग एंड फेयर, और कहेंगे कितना जवान था, कितना अच्छा था, और सो ओल्ड एंड रेस्पेक्टेड, कितना बूढ़ा था, कितना रेस्पेक्टेड, यानी उस बंदे, द पर्सन हु इज गोइंग टू डाई, दे वुड डिस्कस अबाउट द पर्सन शुड हैव मेरिटेड सच अ फैट, ऐसे बंदे को यही फैट मिला है। सो इट वॉज द फेट ऑफ द पर्सन, ए पर्सन हु इज अक्यूज वुड बी बैक टू द एरेना एंड देयर वर बी टू वी कैन से डोर्स इन फ्रंट ऑफ द पर्सन। लकीली अगर उसने दूसरा खोल लिया तो बच जाएगा, उसने एक सुंदर लड़की, मैं बताऊंगा तुम्हें आगे। अनफॉर्चुनेटली अगर उसने दूसरा एक और खोल दिया जिसमें से टाइगर वुड कम फ्रॉम दैट एंड टाइगर वुड अटैक ऑन हिम एंड टाइगर विल किल हिम, आफ्टर दैट व्हाट वुड हैपन, सैड बेल्स विल बी रिंग विल रिंग एंड द मैसेज वुड गो फ्रॉम आउट ऑफ द एरेना वेयर द हायर्ड मॉर्नर्स जो होते हैं किराए पे लाए हुए लोग जो रोने का काम करते हैं, इसके द्वारा किराए पे लाए गए, वो राजा के द्वारा, वो रोएंगे और आफ्टर दैट द पब्लिक विल डिपार्ट टू देयर होम एंड व्हाट वुड द पब्लिक से अबाउट द पर्सन, मे बी ही इज अ यंग, मे बी ही इज अ ओल्ड, दैट दिस इज द फेट ऑफ द पर्सन। ये कोई न्याय है? आई थिंक दिस इज नॉट द वी कैन से डिसीजन, इज दैट क्लियर ऑफ एवरीबडी? ऐसा थोड़ी होता है, अगर बंदा अक्यूज है और उसने यदि दूसरे वाला खोल दिया, यदि बंदा गिल्टी है उसने दूसरे वाला खोल दिया, देन ही विल बी पनिश फॉर दैट, गॉट इट? और यानी अगर उसको एक लड़की मिल गई, मैडन मिल गई बाहर, तो उसकी शादी हो जाएगी, तो उसने जो अपराध किया उसकी सजा कहाँ मिली उसको, यस और नो? और जो बेचारा मासूम है जिसने गलती नहीं की, अगर उसने वो टाइगर वाला खोल दिया तो वो तो मारा जाएगा, जिसकी बल्कि उसने कोई गुनाह भी नहीं किया। यानी नो एग्जामिनेशन, नो इंक्वायरी, ये राजा का नियम था। और द किंग वॉज वेरी क्रूअल, ही वॉज सेमी बार्बिक पर्सन, ही वॉज जस्ट ए पर्सन हु नेवर एवर लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिज नेबरिंग किंग्स एंड वॉट ही वॉन्टेड टू डू, ही वॉन्टेड टू रोन थिंग्स इन अ करेक्ट वे एंड बाई डूइंग दिस ही वुड बी वेरी हैप्पी टू सी द थिंग्स विच आर इन हिज कंट्रोल एंड दैट इज वाई ही मेड एन अरेना। तो इसीलिए उसने क्या बनाया, वहाँ पे अरेना बनाया और वहाँ पे उसने ऐसे डिसीजन मेकिंग्स, दिस टाइप ऑफ थिंग्स ही हैड टेकन देयर, कि अक्यूज वुड बी ब्रिंग देयर एंड ही विल बी एग्जामिन बाय द किंग कि एंड ही हैव टू ओपन द डोर। सो माय डियर चिल्ड्रन, यहाँ तक पढ़े अपन, गॉट इट? एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल टुडे एंड नेक्स्ट विल बी टॉट यू ऑन योर टर्न। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, बेस्ट ऑफ लक।